क्या शानदार मौसम है। मुझे ऐसे मौसम में धूप में नहाना बहुत पसंद है। लड़कियों, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि लड़कों के बिना सांस लेना और बेहतर हो गया है? हाँ हाँ, अब हमारी जिंदगी में और कोई लड़का नहीं। तो क्या लड़कियों, आज हम बास्केटबॉलर से बदला लेंगे? हाँ, आज हम मजे करने वाले हैं। बहुत गर्मी होने वाली है, क्लैप्स रुक जाओ, हम मजे करने वाले हैं। लड़कों, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। चीयरलीडर्स यहाँ पे हैं और हम उनसे बहुत दूर हैं। वो दूर नहीं, अब वो हमारी नहीं है। हम दूसरी चीयरलीडर्स ढूंढ लेंगे खुद के लिए। क्या तुमने दूसरों को देखा है? वो चीयरलीडर्स नहीं है, वो एक बहाना है। हाँ, हम चीयरलीडर्स के लिए हैं। हम पागलों की तरह यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो चलकर सब ठीक करें। हाँ हाँ, मैंने 30 बार कोशिश कर ली है, क्या तुम्हें लगता है कि 31वीं बार करना जरूरी है? दोस्तों, पूछने में कोई बुराई नहीं है, चलो उनके पास जाते हैं और पूछते हैं। चलो चलते हैं। उफ़ो, उन्होंने हमें सुन लिया, कितने शर्म की बात है ये। उफ़ो लड़को, आजकल हम लोग बहुत बुरे हो गए हैं, समझे ना? इसमें क्या बड़ी बात है, हमने दूसरे लड़कियों को डेट किया और इन्हें छोड़ दिया। हाँ हाँ, और हम अपनी लड़कियों को डेट करना चाहते हैं। औरतों का दिमाग बिल्कुल बेवकूफों की तरह है, क्या उन्हें समझ में नहीं आता कि हमें दूसरी भी लड़कियाँ मिल सकती है? कौन सी दूसरी लड़कियाँ बताओ? ब्रॉस, तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे सारी लड़कियाँ पसंद है, लाइला, नास्तिया, डायना, याना। बस मैं इन्हें पसंद करता हूँ सिर्फ। एक बात समझ लो, तुम डायना की तरफ देखना भी मत, नहीं तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, समझे? नहीं, लाइला की तरफ। तो किधर देखूं मैं? याना। बास्केटबॉलर्स, अब हम क्या करें? अब हम लोग पूरी तरह से अकेले हैं, वो भी बिना किसी कंट्रोल के, समझे? ओ लूजर्स। क्या तुम लोगों ने कभी लड़कियों से बहस की है? इसने ब्रेकअप कर लिया। एक दूसरे से बात करना बंद किया है। तो प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। हमने चीयरलीडर्स के साथ बहुत सारे बहस की है, तो हम क्या करें? गंदी चीज कर सकते हैं बिना किसी कंट्रोल के। हम कैंप भी छोड़ सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो तुम क्या कर सकते हो उनके साथ? उन्हें बाथरूम में बंद कर दो, हम इससे बाहर आ गए। हमें वहाँ पर लगभग 1 घंटा लगेगा। दोस्तों, मुझे पता है तुम दोनों के साथ क्या करना है, आज से तुम लोग यहाँ के बॉस हो, समझे ना? दूसरे लूजर्स को कंट्रोल करने वाले हो, लेकिन इलाका मत छोड़ना, समझे ना तुम लोग? आज खुशकिस्मत हो, तुम आज बॉस की तरह महसूस कर सकते हो। बस एक बार अपनी जिंदगी में, क्या हम बॉस हैं? चलो दूसरे लूजर्स को हम देखते हैं। चलो। हाँ, इस तरह के बेवकूफों को तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने ऐसा बेवकूफ कभी नहीं देखा। दोस्तों, हम कभी भी बेवकूफ बन सकते हैं। चलो हम अपना चीयरलीडर्स के साथ संबंध ठीक करते हैं। भगवान करे ये सारी कोशिश कामयाब हो जाए। मुझे शक है, मैं तो पैदा ही बॉस बनने के लिए हुआ हूँ। अब ये बात हम सबको जाके बताने वाले हैं और वो लोग बहुत जलेंगे इससे पक्का। तुम तो जलने वाले हो और मुझसे हमेशा जलते रहोगे, समझे ना? और हम उनके ऊपर बहुत ही कड़ाई से कंट्रोल करेंगे। मेरा फोन किधर है? मेरा फोन नहीं मिल रहा। मार्शिया, ये खिलौना मुझे दो। मुझे पता है तुम्हारे किचन में खिड़की के पास नीले रंग की ट्रोल है, ये मुझे चाहिए। गिगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाली हूँ, और हाँ, मुझे ये करने की जरूरत है। बस हो गया, मेरा फोन कहाँ है? मार्शिया, मुझे समझ नहीं आता कि तुम ये क्या करना चाहती हो। मैं खिलौने इकट्ठा करना चाहती हूँ और तुम मुझे क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हारे पास एक है, मेरे पास दो है, मुझे दे दो प्लीज। ओ, ये रहा। गिगी, क्या हुआ? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि किसी से ऐसे खिलौने मांगना अच्छी बात नहीं है? बेहतर होगा कि मैं अपने भतीजे को दे दूं। कोस्तिया, इस अंगूठी को देखो जरा, कैसी है ये? पात्रिक, तुम देख रहे हो ना, ये प्लास्टिक की है। कोस्तिया, ये प्लास्टिक का है तो क्या हुआ? मैं ये गिगी को देने वाला हूँ कोस्तिया, और वो पिघल जाएगी। तुम उसको जो भी चीज दोगे वो पिघला देगी, समझे ना? रुक जाओ। हे, लगता है बास्केटबॉल प्लेयर से ये लोग बात करके आए हैं, आपसे ये लोग हमें कंट्रोल करने वाले हैं। दोस्तों देखो, ये नीली अंगूठी कैसी है, तुम्हें कैसी लग रही है? ये मैं गिगी को देने वाला हूँ। पात्रिक, मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें क्या मिला है। अब तुम कंट्रोल के अंदर हो, समझे? सच में? किसके अंदर? बास्केटबॉलर्स नहीं है, हमारे अंदर। लूजर्स इस कैंप के बॉस है अब हम लोग। आज सभी को हमारे आज्ञा का पालन करना होगा। बहुत अच्छा मजाक था, दो बेकार। चलो मैं जा रहा हूँ गिगी से मिलने। ठीक है, तुम जाओ उससे मिलने। उन्हें हम नहीं मिलेंगे। गिगी, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है। पात्रिक, मार्शिया को कह दो कि मुझे ट्रोल दे दे वो। नहीं गिगी। गिगी, देखो ना, ये तुम्हारे लिए अंगूठी कैसी है। ओ, ये बहुत प्यारा है पात्रिक। कहाँ से खरीदा तुमने इसे? ये मैंने खरीदा नहीं है, मुझे ये ग्रास में पड़ी हुई मिली थी। ये और ज्यादा प्यारा हो गया। क्या तुमने उसे अंगूठी दे दी? चलो अब हम लोग चलते हैं। क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ का बॉस कौन है? क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि नया बॉस कौन है? बास्केटबॉल प्लेयर्स ने हमें बोला है, समझे ना? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? नहीं आता है। इस तरह से फिर से नहीं आया। अच्छा, नहीं अभी देखो। मुझे गुदगुदी लग रही है। अरे, हम इसका क्या करें अब? चलो चलते हैं, ये बिना कंट्रोल का लूजर से, हम लोग किसी और से निपटते हैं, समझे? वैसे तुमने सही फैसला लिया है। कोस्तिया के पास कूदना बंद करो, इधर आओ, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है। लूजर्स, खड़े हो जाओ अभी, चुप चाप। चलो, मैं बैठना चाहती हूँ। खड़े होने के लिए कहा है, अभी चुपचाप खड़े हो जाओ, समझी ना?
अर्थ्यम, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं और पू बिल्कुल भी बराबरी के लायक नहीं है। अर्थ्यम, क्या तुम हमें आदेश दे रहे हो? आज छुट्टी का दिन है ना, तो यहाँ कोई बास्केटबॉलर है और ना ही चीयरलीडर्स। गिगी चलो, कोई बात नहीं है, चलते हैं। किधर चलो, कहीं दूर चलते हैं। हम वहाँ क्या करने वाले हैं? तुम्हें किस करना है गिगी? अर्थ्यम, अगर तुमने फिर से मुझ पर चिल्लाया तो मैं डंडे से तुम्हारा घुटना तोड़ दूंगी, समझ गए तुम बेवकूफ? मोर्शिया, तुम एक बहुत बड़ी लूजर हो, समझी ना? देखो जरा इस बॉयफ्रेंड को, कोई नहीं चिल्लाएगा मेरे ऊपर। दोस्तों, मैं बोलूंगा डायना से कि मुझे माफ कर दो, क्या पता शायद वो मुझे माफ कर दे, ऐसा हो सकता है। मैं याना को कहूंगा मुझे दुनिया की सारी लड़कियां पसंद है, लेकिन तुम मुझे ज्यादा पसंद। ब्राउज, याना तुम्हें इस तरह से कभी भी माफ नहीं करेगी। मैं लैला को कहने वाला हूँ कि लैला, तुम हमेशा मेरी बेबी हो। ओ लड़कियों, वो आ रहे हैं। लड़कियों आराम करो। हे लूजर्स, रुको। लड़कियों, क्या तुम सुन सकती हो? कुछ कीड़ों की आवाज आ रही है। मुझे नफरत है कीड़ों से। ये कीड़े नहीं है लड़कियों, ये मच्छर हैं। वो भी काटने वाले। चलो भी लड़कियों, प्लीज हमें माफ कर दो। लैला, माफ कर दो मुझे, मैं दूसरी चीयरलीडर्स को डेट नहीं कर सकता। वो छोटी है, तुम मेरी तरह लंबी हो, हम एक दूसरे के लायक हैं। याना, मुझे दुनिया की सारी लड़कियां पसंद है, लेकिन मुझे सिर्फ तुमसे ही प्यार है। लड़कियों, क्या तुम सुन रही हो? लड़कियों, शांति। लड़कियों, चलो। दोस्तों, तुमने सुना डायना ने क्या कहा कि समय हो गया, लगता है सब कुछ हमारे बीच ठीक होने वाला है। स्माइल, देखो मेरे हाथों के नेल पेंट का रंग मेरे लिपस्टिक से मैच कर रहा है। ओफो, मैं गलत फहमी में, यहाँ कुछ भी नहीं ठीक होने वाला है डायना। तुम्हें पता है ब्रवास की? याना, मुझे दुनिया के सारे लड़के पसंद है, बस तुम्हें छोड़कर। नहीं याना। मैक्स, वैसे तुम लंबे हो, लेकिन मुझे और लंबा बॉयफ्रेंड चाहिए। लड़कियों, क्या तुम पार्टी में जा रही हो? ये अच्छी बात है कि मैं इन सब में पार्टी करने जा रही हूँ, नया बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए। ये कोशिश भी बेकार हो गई यार। दोस्तों, हम उन्हें करने नहीं देंगे। पार्टी। डायना, मुझे भी दो। हाँ, तुम भी लो। मैं डांस फ्लोर में आग लगाने वाली हूँ। मेरी वजह से सब कुछ हॉट होने वाला है। लड़कियों, चीजों का आविष्कार करना बंद करो, चलो पहले वहाँ पहुँचते हैं। लड़कियों, हमारा मोटो क्या है पता है? हम एक दूसरे को नीचा नहीं। हमें अपने डांस पे शर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है? नास्ते पार्टी में कोई ट्विकिंग नहीं करना है, समझ गई? दोस्तों, चलो इंतजार करते हैं वहाँ दरवाजे के और हम उन्हें कहेंगे कि लड़कियों, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हम कहेंगे हम तुमसे प्यार करते हैं। तो तैयार हो जाओ, वो लोग हंस रही हैं, वो मजे कर। दोस्तों, समय बर्बाद मत करो, चलो। लड़कियों, अगर हमें कोई रोकने की कोशिश करेगा तो बताओ? कोई नहीं करेगा। आज रात की पार्टी की रानियां हैं हम, चलो। डायना, क्या तुमने टैक्सी को कॉल किया? हाँ बिल्कुल, प्रीमियम क्लास। ये हम प्रीमियम से जा रहे हैं, उसके ड्राइवर कितने शानदार होते हैं। मुझे भी पसंद है उसमें ड्राइवर्स, पैसेंजर्स के बीच में अलगाव होता है। क्यों चिल्ला क्यों रहे हो? अगर मोर्शिया तुम्हारी ऊपर बैठेगी तो तुम भी चिल्लाओगे, समझे ना? मैं नहीं चिल्लाऊंगा, तुम चुप जा बैठो। वो देखो, चीयरलीडर्स। मत जाओ लड़कियों। लड़कियों, मैंने क्या कहा था? कोई हमारी पार्टी खराब नहीं करेगा। कौन तुम्हें ऐसा करने देगा? तुमने ये खिलौने कमरे से क्यों लिए? बताने का कष्ट करोगे? लड़कियों, मत जाओ प्लीज। लड़कियों, प्रीमियम टैक्सी गई, क्या हम चल रहे हैं? बिल्कुल हम चल रहे हैं, रास्ता दो हमें, जाने दो। लड़कियों, ये खिलौने तुम अपने पास रखो। ये बिल्कुल भी प्यारा नहीं। लड़कियों, ये देखो खिलौने तुम्हारे लिए है। रास्ता दो हमें, निकलो यहाँ से, चले जाओ तुम लोग। ओफो, हमने उन्हें खो दिया। लड़कियों, अब समय आ गया है लड़कों को सबक सिखाने का, चलो पार्टी करते हैं हम लोग। हाँ, तड़पने दो उन्हें। लड़कियों, कम बोलो और जल्दी चलो, मैं डांस फ्लोर पर आग लगाने वाली हूँ। तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हम बास्केटबॉल प्लेयर्स के बिना ही मजे करने वाले हैं, ठीक है ना? तब तक हाँ, सच में वो बहुत ही गंदा है, चलो मजे करते हैं। मैं जा रहा हूँ। तो लड़कियों, हे स्माइल सुनो, मैं जो तुम्हें कहती हूँ तुम सुनो।
सुनते रहो और बोलते रहो। कैसे हो प्रवास की, बताओ मुझे। हाँ ए, तुम लोग चुपचाप सुनो, मेरी बात सुनना ही पड़ेगा। तो मुझे